सामाजिक संस्था यूथ एम्पावरमेंट सोशल सर्विसेज हिमाचल द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 1000 से अधिक युवाओं एवं खिलाड़ियों को नशे के खिलाफ बतौर ब्रांड एम्बेसडर कार्य करने की शपथ दिलाई गई है। ये बात यस हिमाचल की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में युवाओं को नशे के खिलाफ बतौर एम्बेसडर कार्य करने की शपथ दिलाते हुए बतौर मुख्य वक्ता मौजूद पूर्व में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सचिव रहे नरेंद्र अत्री ने मौजूद युवा एवं स्थानीय जनमानस को संबोधित करते हुए कही। सामाजिक संस्था यूथ एम्पावरमेंट सोशल सर्विस यस हिमाचल द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 1000 से अधिक युवाओं एवं खिलाड़ियों को नशे के खिलाफ बतौर ब्रांड एम्बेसडर कार्य करने की शपथ दिलाई गई है। ये बात यस हिमाचल की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में युवाओं को नशे के खिलाफ बतौर एम्बेसडर कार्य करने की शपथ दिलाते हुए बतौर मुख्य वक्ता मौजूद पूर्व में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सचिव रहे नरेंद्र अत्री ने मौजूद युवा एवं स्थानीय जनमानस को संबोधित करते हुए कही। नरेंद्र अत्री ने कहा, ये सही है कि सरकारी स्तर पर ड्रग माफिया पर नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय की युवा शक्ति को नशे के जहर से बचाने के लिए निरंतर प्रयास जारी है, परंतु इस सत्य को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रविरोधी लोग निरंतर हमारे देश की युवा शक्ति को क्षीण करने के लिए नशे रूपी जहर को गांव-गांव में फैलाने में लगे हुए हैं। अतः ऐसे में ये आम जनमानस की जिम्मेवारी बन जाती है कि सभी सामूहिक तौर पर सामाजिक तौर पर प्रयास कर इस बात को सुनिश्चित करें कि हमारे युवाओं की ऊर्जा का दोहन सही दिशा में हो, युवा नशे से दूर रहें, युवा निरंतर खेल के मैदान में जाकर खुद को शारीरिक और मानसिक तौर पर सशक्त बनाए ताकि आने वाले जीवन की चुनौतियों का दृढ़ता पूर्वक सामना करते हुए राष्ट्र समाज के काम में आते हुए जीवन में आगे बढ़े। सामाजिक संस्था यस हिमाचल के प्रवक्ता सुभाष ठाकुर ने बताया कि किस संस्था ने अभी तक धर्मपुर के गरवासड़ा हमीरपुर सुजानपुर शिमला आदि क्षेत्रों में अभियान के तहत कार्यक्रम किए हैं एवं आने वाले समय में प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ जमीनी और अधिक जमीनी स्तर पर इस अभियान को तेज किया जाएगा। इस मौके पर संस्था यस के खेलकूद विभाग के प्रदेश प्रभारी नरेश राणा, कार्यक्रम संयोजक उपेंद्र चौहान, मनोज वर्मा, नितिन ठाकुर, राकेश शर्मा, दीपक शर्मा, कमलेश कुमार, जितिक पठानिया सहित लगभग 200 युवा मौजूद रहे। तो हम सब प्रेरणा ले सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं कि इस वर्ष हम ये प्रण करें कि हम इस सामाजिक कुरीति, सामाजिक बीमारी, सामाजिक समस्या, युवाओं की सबसे बड़ी दुश्मन जो नशे की प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगाएं। अंकुश तब लगेगा जब हम आप लोग प्रण करेंगे। सरकारी स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, सरकारी स्तर पर खूब प्रयास सरकारें कर रही हैं। जो समाज विरोधी लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है। आप हैरान होंगे कि 2018-19 के अंदर जो सरकारी आंकड़ा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर 3400 लोगों को पकड़ा गया, 3400 लोग इस कार्य में संलिप्त थे और जेलों के अंदर है। 3400 लोगों को पकड़ा गया, ढाई हम सब शपथ लेते हैं कि सामाजिक संस्था यस हिमाचल ने जो नशे के खिलाफ अभियान चलाया है उसमें अपनी सहभागिता